हेलो एवरीवन। सो बीएमएस एग्जाम सीरीज में आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कला शरीर। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्नायु शरीर बताया था। आज की इस वीडियो में हम कला शरीर को पूरा कवर करेंगे। करीबन ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है जिसमें आपका जो ये टॉपिक है कला शरीर वो पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ इतना भी आप कर लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स कला शरीर के टॉपिक से आ जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम कला शरीर को मॉडर्न से रिलेट करें तो मॉडर्न में कला को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। मतलब इंटरलाइनिंग मेम्ब्रेन जो होती है इंटरनल ऑर्गन्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। या मॉडर्न की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरलाइनिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर हम कला की परिभाषा की बात करें आयुर्वेद में तो क्या होता है, धातुओं और आशय के बीच का जो मर्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। या जो धातुओं और आशय के बीच स्थित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं धातु और आशय के बीच कि मर्यादा को हम क्या बोलते हैं, कला कहते हैं। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो इन मॉडर्न इट इज रिलेटेड विथ इंटरलाइनिंग मेम्ब्रेन्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अगर हम बात करें कि कला का फॉर्मेशन कैसा होता है या कला का निर्माण कैसा होता है, तो क्या होता है कि जो धातु और आशय के बीच में लिक्विड प्रेजेंट होता है या क्लेश प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, धातु अग्नि की उष्णता के कारण पककर किसका रूप धारण कर लेता है, वो कला का रूप धारण कर लेता है। मतलब क्या हो जाएगा कि धातु और आशय के बीच के जो बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, क्लेश प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है कि धातु अग्नि की उष्णता की वजह से वो पक जाता है और पक कर वो किसका रूप धारण कर लेता है, कला का रूप धारण कर लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कला का निर्माण कैसे होता है। तो धातुओं से जो आशय बने हैं उन दोनों के बीच में क्या होता है, क्लेश प्रेजेंट होता है। मतलब धातु और आशय के बीच में लिक्विड प्रेजेंट होता है या क्या प्रेजेंट होता है, क्लेश प्रेजेंट होता है। वह अपनी धातु अग्नि की उष्णता से पक्व होकर कला रूप धारण कर लेता है। तो वो जो लिक्विड है वो क्या होता है, धातु अग्नि की उष्णता के कारण पक जाता है और पक कर किसका रूप धारण कर लेता है, वो कला का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, कला या मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें कि कला का स्वरूप कैसा होता है, तो जिस प्रकार से आप लकड़ी को क्या होते हो, छीलते हो और छीलते जाते हो तो आपको उसका सार भाग दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से अगर क्या करते हो आप मांस को छीलते हो तो मांस को छीलने पर आपको धातु दिखाई देती है। तो अगर हम कला के स्वरूप की बात करें तो कला जो होती है वो क्या होती है, स्नायु से ढकी हुई होती है, जरायु के समान होती है। जरायु का मतलब क्या होता है, सीरस मेम्ब्रेन, और कैसे होती है, श्लेष्म में युक्त होती है। श्लेष्म में युक्त मतलब ये कैसे होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और किससे निर्मित होती है, ये श्लेष्म से निर्मित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लकड़ी को छिलने पर लकड़ी का सार भाग दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार मांस को छिलने पर आपको क्या दिखाई देती है, धातु दिखाई देती है। और ये जो कलाई होती है वो स्नायु से ढकी हुई होती है, जरायु से व्याप्त होती है। जरायु का मतलब क्या होता है, सीरस मेम्ब्रेन, मतलब आपकी जो कला होती है वो कैसी होती है, सीरस मेम्ब्रेनस होती है। और ये कैसे होती है, श्लेष्म से निर्मित होती है। श्लेष्म की अगर हम बात करें तो श्लेष्म मतलब क्या हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कैसे निर्मित होती है, श्लेष्म से निर्मित होती है, और उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। मतलब अगर हम देखें कलाइयों का स्वरूप कैसा होता है, तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो कला जो होती है वो स्नायु से ढकी हुई होती है, जरायु से व्याप्त होती है, श्लेष्म से निर्मित होती है, और इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, कला कहते हैं। ठीक, अगर हम कला के प्रकार की बात करें तो टोटल कलाएं जो होती है कितनी होती है, 7 प्रकार की कलाएं होती है, जिसमें पहली कला होती है मांसधरा कला, दूसरी होती है रक्तधरा कला, तीसरी मेदधरा कला, चौथी श्लेष्मधरा कला, पांचवी पुरीषधरा कला, छठी पित्तधरा कला, और सातवीं होती है शुक्रधरा कला। इस प्रकार से टोटल जो कलाएं होती है वो कितनी होती है, 7 कला होती है। अगर हम मांसधरा कला की बात करें तो मांसधरा कला जो होती है वो पहली कला होती है, और मांसधरा कला में क्या होता है, स्नायु, शिरा, धमनी, स्त्रोतस, ये क्या होते हैं, इनके जो तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें फैले हुए रहते हैं। मतलब जिस प्रकार से क्या होता है कि कीचड़ युक्त जल में कमल जो होता है या कमल के तंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन पर फैले होते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि मांसधरा कला में या मांस में क्या होता है, सिरा हो गया, धमनी हो गया, स्त्रोतस हो गया, ये सब क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मांसधरा कला में इन कलाओं में क्या होता है, इन कलाओं में क्या होता है, सिरा, स्नायु, धमनी व स्त्रोतस के प्रतान कैसे रहते हैं, फैले रहते हैं, और ये कैसे होती है, पहली मांसधरा कला होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे हम किसे रिलेट कर सकते हैं, तो जिस प्रकार से क्या होता है
जिस प्रकार से कीचड़ युक्त जल में रहने वाले कमल के तंतु भूमि में चारों ओर बढ़कर फैल जाते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, मांस या मांसधारकला में सीरा हो गया, स्नायु हो गया, धमनी हो गई, स्त्रोतस हो गए, ये सब क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। तो पहली जो कला होती है वो कौन सी कला होती है, मांसधारा कला होती है। दूसरी कला की अगर हम बात करें तो रक्तधारा कला, और ये रक्तधारा कला जो होती है मांसधारा कला के नीचे प्रेजेंट होती है। और रक्तधारा कला में क्या होता है, रक्त बहता है, और ये मेनली हमको कहाँ पर पाई जाती है, मेनली हमको सीरा, यकृत, प्लीहा में यह कला हमको विशेष रूप से पाई जाती है। यकृत की अगर बात करें तो यकृत को हम क्या बोलते हैं, लीवर। प्लीहा की अगर हम बात करें तो प्लीहर को हम क्या बोलते हैं, प्लीहा को हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। तो स्प्लीन में, लीवर में और सीरा, सीरा मतलब क्या हो जाएगा, वेन में, इनमें क्या होता है आपको रक्तधारा कला पाई जाती है, और यह मांस के भीतर होती है। और मांसधारा कला जो होता है उसे रक्त कौन प्रदान करता है, तो रक्तधारा कला जो होती है वही क्या होती है, मांसधारा कला को ब्लड या रक्त प्रोवाइड करती है। ये कैसी कला होती है, दूसरी कला होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्तधारा कला बोलते हैं। अगर हम इसे रिलेट करें तो जिस प्रकार से क्या होता है, जो दूध वाले वृक्ष होते हैं उसमें अगर मान लो आघात हो जाता है तो जैसे कि आपको पता है उसमें से क्या होता है, दूध टपकता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, अगर मांस धातु में क्या हो जाएगा, आघात हो जाएगा तो उसमें से क्या होता है, रक्त टपकता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आपकी जो मांस रक्तधारा कला है उसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार दूध वाले वृक्ष में आघात हो जाने पर दूध निकलता है, उसी तरह क्या होता है, मांस धातु में आघात हो जाने पर रक्त टपकता है। ठीक, तो इस तरह से हमने दूसरी कला देखी, और दूसरी कला थी वो कौन सी, रक्तधारा कला थी। तीसरी कला हम बात करते हैं मेदधारा कला, मेदधारा कला जो होती है वो तीसरी कला होती है, और ये आपको कहाँ पर पाई जाती है, उदर या छोटी अस्थियों में पाई जाती है। उदर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एब्डोमन हो जाएगा। तो हमको ये जो मेदधारा कला होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, एब्डोमन पाई जाती है, और छोटी अस्थियाँ, छोटी अस्थियाँ बोले तो ये आपको स्मॉल बोन्स में दिखाई देती है। अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करें तो लॉन्ग बोन्स में जैसे कि आप सभी को पता है लॉन्ग बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है, येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मज्जा बोलते हैं। और अगर हम स्मॉल बोन्स की बात करें, स्मॉल बोन्स, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, और इसी रेड बोन मेरो को हम क्या बोलते हैं, इसी रेड बोन मेरो को हम सरक्त मेद बोलते हैं। तो ये जो मेदधारा कला जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, स्मॉल बोन्स में पाई जाती है, और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, एब्डोमन या उदर में देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ी अस्थियों में रहने वाली मेद जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मज्जा बोलते हैं, या इसे हम क्या बोल देते हैं, येलो बोन मेरो बोल देते हैं। ठीक, मेद में जो, अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो मेद सिर में कपाल अस्थियों को आच्छादित या कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क या मस्तुलुंग नाम से कही जाती है। तो अगर हम बात करें कि मेद जो होती है कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एक तो आपको स्मॉल बोन्स में देखने को मिलेगी, दूसरा आपको एब्डोमन में देखने को मिलेगी, और तीसरा अगर हम बात करें तो जो क्या करती है कपाल अस्थियों को कवर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, मस्तुलुंग बोल देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने तीसरी कला की बात करी जो कि क्या थी, मेदधारा कला थी। अब हम बात करते हैं चौथी कला जो कि होती है श्लेष्मधारा कला, और ये जो श्लेष्मधारा कला जो होती है आपको कहाँ पर पाई जाती है, आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर आपको पाई जाती है। अगर हम मॉडर्न में देखें तो क्या हो जाएगा, जितने भी क्या होते हैं साइनिवल जॉइंट्स होते हैं या साइनिवल मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, श्लेष्मधारा कला बोलते हैं। ये क्या होती है, चौथी कला होती है, और प्राणियों की सभी संधियों में ये आपको पाई जाती है। तो इसे अपन उस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं जिस प्रकार से क्या होता है कि तेल लगी अक्ष जो होती है, जैसे कि आपको बताएं कि जो पहिया होता है ना, पहिया के बीच में क्या होता है, अक्ष प्रेजेंट होता है। आपने बैलगाड़ी देखी होगी तो बैलगाड़ी में आपने देखा होगा कि किसान लोग जो होते हैं कि जो अक्ष होता है उसमें क्या डालते हैं, तेल डालते हैं ताकि वो पहिया क्या हो जाए, अच्छी तरह से कार्य करें। तो जिस प्रकार से क्या होता है कि पहिए में जो अक्ष लगा होता है उसमें तेल डालने पर वो क्या होता है, अच्छी तरह से कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारी संधि में ये श्लेष्मधारा कला प्रेजेंट होती है, और इस कारण क्या होता है कि ये क्या होती है, श्लेष्म युक्त होती है, जिस कारण क्या होता है कि हमारी जो संधियां होती है वो क्या होती है, अच्छी तरह से कार्य करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथी प्रकार की जो कला होती है वो कौन सी कला होती है, श्लेष्मधारा कला होती है, और इसे हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जिस प्रकार से तेल लगी अक्ष पर गाड़ी का चक्र जो होता है अच्छी तरह से चलता है उसी प्रकार क्या होता है, श्लेष्मधारा कला से संध्या जो होती है क्या होती है, अच्छी तरह से कार्य करती है। तो इस तरह से हमने चौथी कला देखी वो कौन सी थी, श्लेष्मधारा कला।
अब हम पांचवी कला की बात करते हैं, वो है पुरुषधरा कला। तो पुरुषधरा कला कैसी है? पांचवी कला होती है। अब जो पुरुषधरा कला होती है वो क्या करती है कि जो पक्वाशय में स्थित मल जो होता है उसको क्या करती है? पृथक करती है। मतलब इसका मेन काम जो होता है क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फिकल मैटर। अगर हम मॉडर्न में देखें तो इसका मेन काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फिकल मैटर, मतलब पक्वाशय में जो मल प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है? पृथक करती है। ठीक। और मल धरा चारों ओर यकृत, आमाशय, वृक्क आदि कोष तथा आंत्र को समाश्रित करती हुई उंडुक में स्थित मल को विभाजित करती है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या करती है कि आमाशय में मतलब स्टमक में, वृक्क मतलब किडनी में, कोष्ठ में तथा आंत्र में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है या इंटेस्टाइन जो होती है उसमें क्या होती है? समाश्रित रहती है, उसमें रहती है और उंडुक में स्थित मल को ये क्या करती है? विभाजित करती है। मतलब इन सब में, कौन किस में? यकृत में, आमाशय में, वृक्क में, कोष्ठ में क्या होती है? समाश्रित रहती है और उंडुक में रहती है और यहाँ पर क्या करती है? मल का फॉर्मेशन करती है या फिकल मैटर का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो पुरुषधरा कला होता है उसका कार्य होता है। अब अगली कला की अगर हम बात करते हैं तो अगली जो कला है वो क्या है? पित्तधरा कला है, जो कि क्या होती है? छठी कला होती है। और यह क्या करती है कि जो अन्न आता है कहाँ से? आमाशय से। आमाशय से जो अन्न निकलता है और कहाँ पर जाता है? जैसे कि आप सभी को पता है कि आमाशय के बाद ये जो अन्न जो होता है कहाँ पर जाता है? डोडेनम में जाता है। तो जो अन्न कहाँ से आ रहा है? सेवित अन्न जो कहाँ से आ रहा है? आमाशय से आ रहा है। आमाशय से आकर कहाँ पर आता है? डोडेनम में आता है। उससे ये क्या करती है? धारण करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेवित अन्न पान को आमाशय से निकलने के बाद धारण करती है वो कौन सी कला होती है? पित्तधरा कला होती है। और पित्तधरा कला जो होता है इसे हम क्या बोल सकते हैं? ग्रहणी भी बोल सकते हैं। इसे हम ग्रहिणी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आमाशय और पक्वाशय, आमाशय और पक्वाशय, आमाशय मतलब क्या हो जाएगा? स्टोमक। पक्वाशय मतलब क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन। तो इनके बीच में क्या होता है? जो ड्यूओडेनम प्रेजेंट होता है यहीं पर ये क्या करती है कि जो अन्न आता है कहाँ से? आमाशय से। उसे क्या करती है? धारण करने का काम करती है। और ड्यूओडेनम जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि ये कला जो होती है हमको मेनली कहाँ पर देखने को मिलती है? ड्यूओडेनम में देखने को मिलती है। इसीलिए इस कला को हम क्या बोल देते हैं? ग्रहणी भी बोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पक्वाशय व आमाशय के मध्य जहाँ अन्न का पाचन या अन्न का आचूषण रहने वाली जो छठी पित्तधरा कला है वह क्या कहलाती है? ग्रहणी कहलाती है। ठीक। तो जो छठी जो पित्तधरा कला है कहाँ पर प्रेजेंट होती है? आमाशय और पक्वाशय के मध्य भाग में स्थित होती है, अन्न का पाचन करती है, अन्न का आचूषण करती है। और ये जो छठी कला होती है, छठी पित्तधरा कला होती है, इसी कला को हम क्या बोल देते हैं? ग्रहणी भी बोल देते हैं। ग्रहणी अगर हम बोले तो मॉडर्न में इसे हम क्या बोलते हैं? डुओडेनम भी बोल देते हैं। ठीक। इसे हम क्या बोल देते हैं? डुओडेनम भी बोल देते हैं। अब जो सातवीं और लास्ट कला होती है वो क्या होती है? शुक्रधरा कला होती है। और अगर हम शुक्रधरा कला की बात करें तो ये प्राणियों के सर्व शरीर व्यापी होती है। मतलब क्या होती है? प्राणियों में शरीर में सभी जगह ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और इसे हम इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि जिस प्रकार से क्या होता है दूध में घी व्याप्त होता है और क्या हो जाएगा? गन्ने के रस में गुड़ व्याप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि आपकी जो शुक्रधरा कला जो होती है वो क्या होती है? पूरे संपूर्ण शरीर में पाई जाती है, संपूर्ण शरीर में व्यापी होती है। मतलब शुक्रधरा कला जो होती है वो कैसे होती है? सर्व शरीर व्यापी होती है, सर्व शरीर व्यापी होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपको संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं सप्तमी शुक्रधरा नामक कला है, प्राणियों के सारे शरीर में ये व्याप्त रहती है। और जिस प्रकार से दूध में क्या होता है? घी। और गुड़ की बात करें तो गुड़ या गन्ने की बात करें, गन्ने के रस में क्या होता है? गुड़ समाया होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? मनुष्य के शरीर में शुक्र जो होता है क्या होता है? विद्यमान रहता है। ठीक है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो वस्ति द्वार के नीचे दो अंगुल दाई और व मूत्र मार्ग के साथ संबंधित रहती है एवं इसका मेन काम जो होता है वो क्या होता है? शुक्र का निर्माण करती है। मतलब किसका फॉर्मेशन करती है? स्पम का फॉर्मेशन करती है। ठीक। चलिए तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो टोटल कलाएं जो होती है वो कितनी होती है? सात प्रकार की कलाएं होती है। पहला हमने देखा मांसधरा कला, दूसरा हमने देखा रक्तधरा कला, तीसरा हमने देखा मेदधरा कला, चौथा हमने देखा श्लेष्मधरा कला, पांचवा हमने देखा पुरुषधरा कला, छठी हमने देखी कौन सी? पित्तधरा कला, और सातवीं हमने देखी शुक्रधरा कला। तो इस तरह से टोटल जो कलाएं होती है कितनी होती है? सात प्रकार की होती है। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, स्थान एवं कार्य के अनुसार इनका नामकरण जो होता है कुछ इस प्रकार से किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें मांसधरा कला, तो मांसधरा कला जो होती है, मांसधरा कला आपको कहाँ पर, इसे हम क्या बोल देते हैं? डिप फेशिया या इंटर मस्कुलर सेप्टा भी बोल देते हैं।
तो ये जो हम नाम किस प्रकार से दे रहे हैं, स्थान एवं उनके कार्य के अनुसार ये जो कलाएं होती है इसको हम मॉडर्न में नाम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रक्त धारा कला जो होती है इसे हम क्या बोल सकते हैं, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड साइनसेस इन द लीवर और स्प्लीन भी बोल सकते हैं। वैसे अगर हम मेद धारा कला की बात करें तो इसे हम ओमेंटम बोल सकते हैं। ओमेंटम क्या होता है, ये ग्रेटर फोल्ड्स होते हैं जो आपको कहाँ पर दिखाई देते हैं, एबडोमन में दिखाई देते हैं। फिर वही अगर हम बात करें किसकी, श्लेष्म धारा कला की बात करें तो इसे हम क्या बोल देते हैं, साइनेबल मेम्ब्रेन ऑफ ज्वाइंट्स भी बोल देते हैं। वही अगर हम बात करें किसकी, पुरुष धारा कला की तो इसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कॉलन एंड रेक्टम भी बोल देते हैं। पित्त धारा कला की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। शुक्र धारा कला की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्पाइनल वेसिकल वाटर डिफरेंस एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, कला शरीर को पूरा कवर कर लिया। आपको क्या करना है, कला शरीर जो इसके नोट्स आपने बना लिए होंगे वीडियो के साथ साथ साथ, अगर नहीं बनाए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कला शरीर में, जितना आपको मैंने टॉपिक बताया उतना सफिशियंट है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको मैंने जो बताया है आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। बीएमएस एग्जाम सीरीज में ऐसे ही मैं अगले जो टॉपिक्स है उनको भी कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बीएमएस एग्जाम सीरीज का बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।